पीएम मोदी ने तीन तलाक बिल पर कांग्रेस को दिया करारा जवाब, कहा कोई नहीं हटा सकता तीन तलाक कानून, बीजेपी को महिला अधिकारों के लिए बताया प्रतिबद्ध। साथियों, ये लोग कुछ भी बोले, मैं देश की सभी मुस्लिम बहन बेटियों को ये भरोसा देना चाहता हूं कि तीन तलाक कानून को हटाने नहीं दिया जाएगा। बीजेपी महिलाओं के अधिकार के लिए, महिलाओं को न्याय के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी ने ममता पर साधा निशाना, कहा लुटेरों को बचाने के लिए पहली बार कोई सीएम धरने पर बैठी। साथियों, देश के इतिहास में ये पहली बार देखा गया है कि कोई मुख्यमंत्री हजारों गरीब लोगों को लूटने वालों के पक्ष में दिन दहाड़े धरने पर बैठ जाए। ममता बनाम सीबीआई केस में कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार पहुंचे शिलोंग, सीबीआई की विशेष टीम कल करेगी पूछताछ। राम मंदिर पर बोले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, कहा राम मंदिर निर्माण है बीजेपी का संकल्प जिससे बीजेपी को कोई नहीं डिगा सकता। योगी जी जय श्री राम बोलते थे, मैं आप सबके चेहरे पर आपका भाव देख रहा हूं। मुझे मालूम है आपके मन में क्या पड़ा है। कार्यकर्ता के मन में है राम मंदिर के लिए भाजपा का स्टैंड क्या है या नहीं है, है या नहीं है। मैं आज स्पष्ट किए देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी वही जगह पर जल्द से जल्द भव्य श्री राम मंदिर बनाने के लिए कटिबद्ध है और हम संकल्पित। राफेल डील पर रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन ने कांग्रेस पर किया पलटवार, कहा गड़े मुर्दे उखाड़ रही है कांग्रेस। And therefore, madam, every question on Rafael is over and done with, answered. They are flogging a dead horse. The newspaper and the opposition party. मुजफ्फरनगर दंगा मामले में 7 दोषियों को मिली उम्र कैद की सजा, सभी पर लगाया गया 2-2 लाख रुपए का जुर्माना। साल 2013 में मुजफ्फरनगर दंगों में 60 से ज्यादा लोगों की गई थी जान। उत्तराखंड यूपी में जहरीली शराब का कहर, हरिद्वार में 12 और सहारनपुर में 8 लोगों की हुई मौत। न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरा T20 मैच जीत भारत ने सीरीज 1-1 की बराबर, रोहित शर्मा ने लगाया शानदार अर्धशतक, मैच में 3 विकेट लेने वाले कुणाल पांड्या बने मैन ऑफ द मैच। HS न्यूज, जहां खबरों का सिलसिला रुकता नहीं। लेटेस्ट न्यूज और अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।